मैं चाहती हूँ कि उन दोगलों तक ये बात पहुँचे कि वजूद मिटा सकाना जमाना जिसके नाम का, वजूद के वजूद मिटा सकाना जमाना जिसके नाम का, और मैं भगवाधारी भक्त हूँ उसी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। जय श्री राम। 2018 में पहले सुन लीजिए, अच्छा लगेगा, फिर हम नारा भी लगाएंगे। हमें सारी उम्र नारा लगाना है, एक बार से मन नहीं भरने वाला अपना। तो सन 2018 में मेरा भजन आया भगवा रंग, आपने सबने सुना, बड़ा प्यार बड़ा आशीर्वाद दिया, इतना दिया इतना दिया कि मुझे घर घर पहुंचा दिया। सच्ची हाँ, गली गली तो मैं घूम ही रही हूँ, सच्ची में 2018 से चैन की नींद नहीं सोई हूँ मैं। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं घर जाऊं, ऐसा लगता भजन संध्या करते रहूं, सच्ची में। और जो भजनों से सुकून मिलता है वो सारे संसार में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, ये भी सत्य है। रितेश जी आप भी मंच पर आ जाएं, नवल किशोर यादव जी जो यजमान है इस कार्यक्रम के, आप भी मंच पर आवे। तो मैं जो बात बोलना चाह रही थी, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको सुन के जरूर जाएं। फिर उसके बाद मैंने बाबरी विध्वंस न्यूज देखी यूट्यूब में खोल के कि पूरा मामला क्या था। फिर जागृत हो गई इच्छा कि आखिर कांड हुआ क्या। सच्ची में सुन के जाइए इसको, आपस में बात बंद कर दीजिए। फिर जब देखा तो मैंने सोचा अच्छा ये मामला है। उस वक्त श्री रामचंद्र जी की सौगंध मेरे दिल ने मुझसे कहा कि शहनाज अख्तर एक भजन और लिख दे। सच्ची में बिल्कुल दिल से। जब मैंने देखा वीडियो खोल के तो उस समय हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी तंबू में थे। काय में थे? तंबू में। और हमारे एमपी में तंबू को डेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरा। तो आपने सुना भी होगा वो मेरा भजन, ये रामलला का डेरा है। किसने किसने सुना? बहुत अच्छे। लेकिन उसकी एक खास बात, जब भजन बनाया तो सोचा कि सत्य भी लिख दूं। जब भजन बनाया तो सोचा कि सत्य भी लिख दूं, क्योंकि सत्य तो कड़वा होता है कि नहीं? और शहनाज अख्तर तो जहर है। सीरियसली, मजाक की बात नहीं है, सुन के जाओ मजा आएगा। तो सोचा कि सत्य भी लिख दूं। तो हमारे देश में मुगल साम्राज्य आया, उसने खूब हमारे देवालय शिवालय मंदिर जैन मंदिर और न जाने इतने पता नहीं क्या क्या कौन कौन से मंदिर ध्वस्त किए। ध्वस्त तो किए लेकिन मजाल किसी की कोई मंदिर का अस्तित्व मिटा पाया। मजाल नहीं थी किसी में कि कोई मंदिर का अस्तित्व और सत्य को मिटा सके। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया। पिलाया क्या? नहीं पिलाया। मंदिर तो टूटे लेकिन उनको मिटा नहीं पाए, ना हमारी मेमोरी से ना हमारे दिलों से मिटा पाए क्या? यह हमारी भक्ति का ही प्रमाण था। अभी जो फिर से मंदिर निर्माण हो गया और हमारे आराध्य प्रभु आ भी गए, यह हमारी भक्ति का प्रमाण था। हमारे अंदर यदि भक्ति जागृत नहीं होती तो शायद मंदिर निर्माण नहीं होता। तो उस वक्त मेरे दिल से जो शायरी निकली, भैया अभी 2 मिनट शांत रहिए, आप 2 मिनट आप शांत रहो। उस वक्त जो मेरे दिल से शायरी निकली, जल्दी से अपने फोन निकालो, यदि फोन चलाते हो तो फोन निकालो, और यदि वास्तव में श्री रामचंद्र जी को मानने वाले हो तो इस बात को मेरी वायरल जरूर करना। मैं चाहती हूँ कि उन दोगलों तक ये बात पहुंचे, कि उन दोगलों तक ये बात पहुंचे जो अस्तित्व को मिटाना चाहते थे। ये बात को पहुंचाना जरूर, यदि श्री रामचंद्र जी के लिए प्रेम है तो। वीडियो स्टार्ट कर लिए, इसे वायरल जरूर करना। तो श्री रामचंद्र जी के लिए ये 2 लाइन मेरे दिल से निकल गई और मैंने लिखकर इसको अपने भजन ये रामलला का डेरा में डाल दिया। तो मैंने जो डाला वो लाइन ये थी कि वजूद मिटा सकाना जमाना जिसके नाम का, वजूद के वजूद मिटा सकाना जमाना जिसके नाम का, और मैं भगवाधारी भक्त हूँ उसी मर्यादा पुरुषोत्तम
अब ये भजन करके डांस कर लो, झूम जाओ, भाई वोकल बढ़ा दे, यहाँ बढ़ाओ, यहाँ यहाँ बढ़ाओ, यहाँ श्री राम की जय बोलो, श्री राम की जय बोलो, हनुमान की जय बोलो, हनुमान की जय बोलो, श्री राम की जय बोलो, हनुमान की पास खड़े ले ले नैया हम साथ में माता जानकी जानकी और चली रे सवारी श्री राम की 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 जय बोलो 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 जो राम नाम गुण गाते हैं जो राम नाम गुण गाते हैं वो जग में धन्य कहते हैं वो जग में धन्य कहते हैं जो राम नाम गुण गाते हैं वो जग में धन्य कहते ला तेरा
अभी मेरे को बॉयस लोगों को देखना है कि बॉयस लोगों को ये गाना याद है कि नहीं, ठीक है? आप लोग गा के बताएंगे। ये राम लला का डेरा है, ये राम लला का डेरा है,